सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ये जो देख सकते हो, जो हमारे पास स्टार्टर बॉक्स है, मतलब स्टार्टर बॉक्स के बिना हम ये मोटर को कैसे चलाएं, वो भी मोटर लाइफ टाइम तक चले, मतलब मोटर में कोई जो कि इशू ना है, मतलब मोटर जो कि ख़राब ना हो एंड एमरजेंसी सिचुएशन में, मतलब ख़राब जो कि नहीं होगा। बट दोस्तों, जो कि ये पैनल बॉक्स क्या है, कुछ प्रोटेक्शन करता है, जैसे कि इसके अंदर ओवरलोड रिले लगा हुआ है, जो कि मोटर यदि हैवी करंट लेगा तो ये दोस्तों ऑफ कर देता है कॉन्टैक्टर को, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये थोड़ा है, मतलब जो कि ये वाला लगाना जरूरी होता है। बट फिर भी यदि आपके पास नहीं है, मैं देखा हूँ 90, मतलब अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे 70% जो सिंगल फेस मोटर के अंदर इस टाइप का कॉन्टैक्टर नहीं रहता है, एकदम सस्ता वाला जो कि कॉन्टैक्टर, मतलब जो कि पैनल बॉक्स लगा हुआ था उसके अंदर कोई कॉन्टैक्टर नहीं, कुछ भी नहीं, इसे बटन भी नहीं दिया जाता, बट एक MCB रहता है और एक स्विच और एक पुश बटन, तो यह स्विच ऑन करते मोटर जो कि चालू हो जाता है। तो उस वो दोस्तों वो एक तरीका है जो कि कैपेसिटर से ही जो कि मोटर हमारा चलता है, तो कैपेसिटर के थ्रू हम दोस्तों मोटर को चलाएंगे, जो कि मोटर हमारा बिल्कुल भी नहीं जलेगा। यदि आपके पास मोटर, आपका मोटर ख़राब है या फिर पैनल बॉक्स ख़राब है, ये भी आप इजीली इस कैपेसिटर के थ्रू ही चेक कर पाओगे। यदि आपके पास मतलब पैनल बॉक्स आपका ख़राब हो चुका है या फिर जल चुका है, आप देखे हो कि आपका कैपेसिटर जल गया या फिर यहाँ से कहीं से जल गया है, यानी आपका जो स्टार्टर बॉक्स ख़राब है, तो तब दोस्तों आप एक ट्रिक के थ्रू जो कि कैपेसिटर के थ्रू आपका मोटर को इजीली आप ऑपरेटिंग या फिर चला सकते हो, जो कि आपका मोटर 100% में गारंटी बोलता हूँ, मोटर जो कि नहीं जलेगा। एंड आप इजीली पता कर पाओगे, यदि मोटर चल रहा है तो आपको इजीली आपको पता चल जाएगा जो कि आपका पैनल बॉक्स के अंदर ही ख़राब है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों ये वाला दोस्तों रनिंग मोटर है, मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। सिंपल से दोस्तों इसको 220 वोल्ट के अंदर लगा दिया हूँ। यहाँ पे दोस्तों वायर कनेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये वाला वायर हमारा एक लूज है, ये यहाँ पे देख तो बाहर आ चुका है क्योंकि यहाँ का नट जो कि फिलहाल नहीं है। तो चलिए इसको मैं ऑन करके चला कर आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो मोटर जो कि हमारा इजीली चल रहा है, इसको करते हैं ऑफ, ठीक है। तो मोटर दोस्तों हमारा जो कि चल रहा है क्योंकि हमारा पैनल बॉक्स भी सही है। यदि हमारा पैनल बॉक्स सही नहीं है या फिर पैनल बॉक्स हमारे पास फिलहाल नहीं है, तो हम दोस्तों कैसे जो कि मोटर को चला सकते हैं, तो सिंपल सा दोस्तों उसके लिए हमें इसका जो जितने भी वायर ना सबको खोलना पड़ेगा। तो सिंपल सा जितने भी वायर लगाया हूँ मैं, इसको सबको खोल लेता हूँ। एंड खोलने का दोस्तों मेन सप्लाई का वायर भी आपको इसके अंदर मतलब बाहर निकालना पड़ेगा सबको। तो चलिए सबको मैं अभी बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों सब बाहर निकाल आ चुका है। अभी दोस्तों हमें सिंपल सा एक मोटर के हिसाब से, मोटर यदि 1 HP का है तो आपको दोस्तों मिनिमम जो कि 40 MMT का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे मिनिमम हम लेते हैं, मैक्सिमम बाद में लेंगे। मिनिमम से यदि चल जाएगा तो मैक्सिमम की यूज़ कोई ज़रूरत नहीं है। यदि मिनिमम पे नहीं चल रहा है तो आप दोस्तों वहाँ पे मतलब जो कि इसका रेंज बढ़ा सकते हो, जो कि 40 से 50 आप ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों इसका वायरिंग आपको करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे भी वायर जो कि इसको छीलना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको भी छील लेता हूँ, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसका वायरिंग कैसे आपको करना है। एंड दोस्तों आपको यदि इसी टाइप से वीडियो देखना है ना, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। हम दोस्तों इसी टाइप से इजीली मतलब इजी ट्रिक वाला वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो सिंपल सा दोस्तों मोटर के अंदर, मोटर का जो 3 वायर है, इसका जो रेड वाला फेस, रेड वाला सप्लाई एंड जो कि ब्लू वाला जो येलो वाला जो वायर है ना, इसके अंदर दोस्तों आपको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। अभी दोस्तों हमारे जो कि हमारे हाथ में 2 वायर जो कि एक फेस एक दोस्तों न्यूट्रल, इनमें से दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा फेस वाला को या फिर न्यूट्रल, इसमें कोई इशू नहीं है। एक जो कि ब्लू के पास लगाना पड़ेगा और एक दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा रेड वाले में। तो सिंपल सा इसके अंदर आप लगा दीजिए, उसके बाद दोस्तों इसको आप डायरेक्ट जो कि अपने जो बोर्ड है ना उसके अंदर लगा दीजिए एंड स्विच ऑन कर दीजिए, आपका मोटर जो कि 100% चलने लग जाएगा, अगर पानी उठने लग जाएगा। चलिए मैं इसको कर देता हूँ ऑन। तो देख सकते हो मोटर जो कि हमारा चल रहा है एंड ये दोस्तों इसमें कोई इशू नहीं है, जो कि आपका वाइंडिंग भी नहीं जलेगा, आपका मोटर जो कि मतलब कुछ भी नहीं इशू नहीं है, पानी भी जो कि ठीक ठाक ही आपका देगा। तो सबसे इसको कर लेता हूँ ऑफ क्योंकि पानी के अंदर ये डूबा नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा हीटिंग भी हो सकता है, वह मैं पकड़ के भी देखता हूँ, क्योंकि मोटर ज़्यादा हीटिंग भी थोड़ा बहुत हीटिंग हो चुका है क्योंकि ये धूप में पड़ा हुआ था एंड सेकेंड जो कि मैं इसको रनिंग भी चेक किया था ना, इसलिए थोड़ा हीट हुआ है, तो इसको मैं ज़्यादा अभी यूज़ नहीं करूँगा। तो वैसे दोस्तों आप इसी टाइप से जो कि इसको यूज़ कर सकते हो, इसमें दोस्तों आपका मोटर जो कि जलने का चांस नहीं है, बट हाँ इसका प्रोटेक्शन थोड़ा कम हो जाता है कॉन्टैक्टर के मामले में। इसके अंदर दोस्तों जो कि प्रोटेक्शन लगा हुआ है, जो कि आपका ओवरलोड रिले, मोटर यदि ज़्यादा करंट लेगा तो इसको ऑफ कर देता है एंड वोल्टेज यदि कम आ रहा है तो ये भी दोस्तों सप्लाई जो कि ऑफ कर देता है, मतलब जो कि पहुंचता नहीं है। एंड इसके अंदर दोस्तों वोल्टेज कम आएगा तब भी सप्लाई जाएगा, ज़्यादा आएगा तब भी जाएगा, बट हाँ इसमें कोई इशू नहीं है। देखोगे मैं देखा हूँ जो कि ज़्यादातर 70% स्टार्टर बॉक्स जो कि सिंगल फेस का, उसके अंदर दोस्तों कॉन्टैक्टर ही नहीं होता, कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, बस इसे स्विच दबाओ। मैं आपको यहाँ पे कॉन्टैक्टर का जो कि सिंबल लगा दिया हूँ, MCB उठाओ, स्विच दबाओ, मोटर चालू। ये दोस्तों सस्ता वाला जो कि स्टार्टर बॉक्स का ही काम है, मतलब इसे वो सस्ता वाला इसे ही आता है। ये सस्ता वाला डायरेक्ट सिंपल है, कैपेसिटर ऑन करो, सेम ही प्रोटेक्शन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अभी दोस्तों मैं आपको जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जो ये कॉन्टैक्टर वाला जो कि कॉन्टैक्टर यदि लगा हुआ है तो आपको मोटर जो कि प्रोटेक्शन है एंड सिर्फ कॉन्टैक्टर नहीं, उसके अंदर जो कि ओवरलोड रिले भी होना चाहिए।
ठीक है, तो आपका ज़्यादा जो कि मोटर प्रोटेक्शन है, नहीं तो आप इजीली इस कैपेसिटर के थ्रू लगा सकते हो। बट हाँ, यदि आपके पास इससे छोटा स्विच है, इससे छोटा स्विच है, तो आपका स्विच जो कि ख़राब हो जाएगा बहुत ही जल्दी, आपको इसे बड़ा स्विच लगाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये 6 एम्पियर के, तो ये मोटर जब स्टार्ट होता है ना तब 12 एम्पियर 13 एम्पियर ले लेता है। तो 6 एम्पियर वाला मोटर जो स्विच है ना, इसके थ्रू आप मोटर ऑपरेटिंग करना, आपको जो कि 12 एम्पियर वाला लेना तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये ज़्यादा 12 नहीं है दोस्तों, 16 एम्पियर है ये, ज़्यादा जो कि 6 एम्पियर जब होता है ना, 6 एम्पियर ज़्यादा होता है तो क्या वो जल जाता है या फिर ख़राब होता है, तो ये वाला स्विच रहेगा तो आपका ख़राब नहीं होगा। तो आप जो इजीली जो कि कैपेसिटर के थ्रू चला सकते हो आपका जो कि पैनल बॉक्स। किस टाइप से इसका वायरिंग आपके सामने आप देख सकते हो, जो कि एक कैपेसिटर का वायर ले लेना है। तो 1 SP है तो आप 40 mm का ले सकते हो, या फिर उससे ज़्यादा 50 का आप ले सकते हो। एक रेड में लगाना है, एक येलो में लगा लेना है, ठीक है। एंड मेन सप्लाई जो कि आपको एक रेड में और एक जो कि ब्लू में लगाना है, तो आपका मोटर जो कि रनिंग हो जाएगा या फिर चल जाएगा, पानी भी उठेगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि कैपेसिटर मतलब जो स्टार्टर बॉक्स ख़राब है, तो आप इसी तरीके से आप जो कि मोटर को चला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड स्टार्टर बॉक्स यदि ख़राब है तो कैसे चेक करना है, वो भी मैं, मोटर इससे चल रहा है तो आपका स्टार्टर बॉक्स ख़राब है, यदि इससे लगा रहे हो मोटर आपका फिर भी नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वायर वगैरह सब गर्म हो रहा है या फिर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो आप समझ जाना आपका वाइंडिंग जो कि जल गया या फिर वाइंडिंग ही खराब, वाइंडिंग वहाँ से मतलब मोटर के अंदर से कहीं से शॉर्ट सर्किट हो गया है। सो दोस्तों, आई होप आपको पता चल जाएगा कैसे आपको कैपेसिटर के थ्रू इसको ऑपरेटिंग करना है। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यदि इसी टाइप से वीडियो देखना है ना, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से थैंक यू।